1 जुलाई 2021 जब पीयू कॉलेज ने यूनिफॉर्म कोड लागू किया। कुछ स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जा रहा। एक तरफ हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तभी चिकमंगलूर के स्टूडेंट्स भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आने की परमिशन मांगने लगे। ये सिलसिला बढ़ता गया और प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। पीयू कॉलेज के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 11 दिन तक सुनवाई चली और 15 मार्च को सभी पिटीशंस खारिज कर दी गई और फैसला आया कॉलेज के पक्ष में। ये मंडे मेगा स्टोरी है इसी हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस की दलीलों और जजों की सख्त टिप्पणियों की। सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा ये जानते हैं। अपने 129 पेज के फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने तीन बड़ी बातें कही। हिजाब इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर यूनिफॉर्म की जरूरत उचित प्रतिबंध है। सरकार के पास गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला ही नहीं बनता। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि जा पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में। मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जा सकती हैं या नहीं, इस वक्त ये देश का सबसे हॉट टॉपिक है। 5 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई। इसमें पगड़ी भी आई और तिलक भी, कुरान का भी जिक्र हुआ और संविधान का भी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही दलीलों से पहले जानते हैं कोर्ट रूम के मुख्य किरदारों को, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया। सुनवाई करने वाली बेंच पर होंगे राजीव धवन, देवदत्त कामत, संजय हेगड़े, निजाम पाशा और अन्य मुस्लिम लड़कियों की तरफ से दलील पेश करेंगे। वहीं एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज सरकार का पक्ष रखेंगे। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस की दलीलों को। 5 सितंबर कोर्टरूम का हाल। मैं आर्टिकल 145(3) के तहत इस मामले को 5 सदस्य संविधान पीठ के पास भेजने की अपील करता हूँ। इसमें शामिल औरतों के सामने सवाल है कि क्या वो ड्रेस कोड के सामने झुक जाएं? क्या हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है? हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा हो भी सकती है और नहीं भी। हम एक सेक्युलर देश हैं और सरकार ड्रेस कोड रेगुलेट कर सकती है। अगर ड्रेस कोड की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में ही कोई तिलक लगाता है और कोई पगड़ी पहनता है। पगड़ी अलग है, उसे धर्म से मत जोड़ो। सवाल ये है कि क्या कपड़े की वजह से शिक्षा देने से मना किया जा सकता है? मुद्दा बहुत सीमित है, ये सिर्फ स्कूल डिसिप्लिन का मामला है। हम स्टूडेंट से हिजाब पहनने या ना पहनने को नहीं बोल रहे, हम सिर्फ उन्हें यूनिफॉर्म फॉलो करने को बोल रहे हैं। 7 सितंबर कोर्टरूम का हाल। छात्रों के आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहत दिए अधिकारों का हनन हुआ है। आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ड्रेस भी शामिल है। जब मैं स्कूल जाता था तो नमाम यानी तिलक लगाता था, वहीं कई स्टूडेंट्स तो रुद्राक्ष और क्रॉस भी पहनते थे। रुद्राक्ष और क्रॉस अलग हैं, वो कपड़ों के अंदर रहते हैं, इसीलिए डिसिप्लिन का उल्लंघन नहीं है। रही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो क्या कपड़े पहनने के अधिकार में कपड़े उतारने का भी अधिकार है? स्कूल में कोई कपड़े नहीं उतार रहा, अगर आप स्कूल में हिजाब पहनकर आओगे तो हम अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। ये बोलकर स्टेट आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। लड़कियों को हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक रहा है, बात सिर्फ स्कूल की है। 8 सितंबर कोर्टरूम का हाल। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 3 बंदिशें हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, जैसे सीनियर एडवोकेट के परासरन नमाम लगाते थे। क्या इससे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ का उल्लंघन होता है? इसलिए हिजाब को भी परमिशन देनी चाहिए। सड़कों पर हिजाब पहनना हो सकता है किसी को ऑफेंड ना करे, लेकिन जब स्कूल में पहनते हैं तो सवाल उठता है कि स्कूल किस तरह का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है। जैसे सिखों के लिए 5 का 5 स्तंभ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी हिजाब ऐसा ही है। पगड़ी और कृपाण को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए दोनों धर्मों के रीति रिवाजों की तुलना ना हो। इसी के साथ मामले की सुनवाई को 12 सितंबर के लिए लिस्ट कर दिया गया है। तो ये थी हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही दलीलों की मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।